सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो फिर जब भी मैं बाहर जाने की सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पहले आप लोगों के लिए कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ। तो ये भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों के डाउट रहते हैं कि भाई आप कौन से ईयर में हो, या फिर UPS सच में अच्छा है, प्लेसमेंट कैसी है, इंटर्नशिप कैसे एनरोल। तो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस आज शेयर करूँगा पूरा कि हर चीज़ से। तो पहले मैं बता दूँ, वैसे काफ़ी लोगों को आपको पता होगा कि मैं BTech CSE का स्टूडेंट हूँ और मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं फोर्थ ईयर में आऊँगा। तो बात करते हैं मेरा फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक कैसा सफ़र रहा। तो गाइस, जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं नॉर्मली, मेरे को भी बहुत डाउट्स थे। तो मेरे को तो खैर कोई सॉल्व करने वाला मिला नहीं था, बट हाँ, आप लोगों के लिए मैं हूँ। तो जैसे कि बहुत चीज़ें होती हैं कि क्लासेस कैसी हैं और फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कैसे होगा, ये वो। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सबसे पहले बात, हाँ, बहुत बच्चे पूछते हैं कि कॉलेज कब खुलेंगे। तो अगस्त के स्टार्टिंग में खुल जाते हैं कॉलेज। तो पहले आप कॉलेज आओगे, आप हॉस्टल वोस्टल जहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा, तो कॉलेज में आके आप देखोगे। पहले एक दिन तो आपका पूरा सेटल वेटल करने में सामान वामान में लग जाएगा। उसके बाद जब आपका नेक्स्ट डे से कॉलेज स्टार्ट होगा, तो आपके शायद हमारी तो हुई थी ऑनलाइन 15 दिन की एक वो क्लासेस, क्या कहते हैं उन्हें, कुछ भी कह लो, सेमिनार टाइप। तो आपके पता नहीं हुए हैं नहीं है, वो नहीं मेरे को पता, बट मेन क्लासेस अगस्त से शुरू हो जाएंगी। तो आप जब कॉलेज में आओगे, आप क्लासेस देखोगे, आपके क्या कहते हैं सैप पोर्टल नाम की एक चीज़ होगी, वहाँ पर आपका पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। तो आप वहाँ पर टाइम टेबल देखना, आप उसी अकॉर्डिंग क्लासेस में जाना। और फिर बहुत बच्चे होते हैं तो हेल्प कर देते हैं कोई ना कोई, आप किसी सीनियर से भी ले सकते हो, नहीं तो मेरे से भी ले सकते हो। तो क्लासेस में काफ़ी, एक तो क्या इंटरनेशनल फैकल्टीज होती हैं, और आपको 2-3 सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, और एक दो आपके क्या कहते हैं, जैसे एक लर्निंग हाउ टू लर्न एक सब्जेक्ट रहता है, लिविंग कन्वर्जेशन रहते हैं, जो स्कूल ऑफ लाइफ के सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे भी कुछ होते हैं। तो इनमें इंटरनेशनल फैकल्टीज काफ़ी अच्छी मिलती हैं, काफ़ी अच्छी मतलब पढ़ाने में अच्छी होती हैं वो, ऐसा कोई नहीं। टीचर्स भी होते हैं मेल्स ओनली, और क्या कहते हैं, ओनली मेल्स नहीं, फीमेल्स भी होते हैं, मतलब समझ जाओ आप, ठीक है। तो बात करते हैं, हाँ, उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी ठीक रहता है, इंटरनेशनल रहती हैं, और जो नॉर्मल आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स रहेंगे वो इंडियन से रहेंगे ज़्यादातर, मतलब बाहर बूर के नहीं होंगे, बाहर के ज़्यादातर स्कूल ऑफ लाइफ के ही होते हैं। तो आपको उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करने में काफ़ी अच्छी वो रहेगी, मतलब आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं होगा। और क्या कहते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके आपका फर्स्ट ईयर निकल जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आपकी फर्स्ट ईयर में जो छुट्टियां पड़ती हैं ना, तो उसमें आपके लगेंगी समर इंटर्नशिप, यानी कि किसी NGO टाइप में। तो आप उसमें सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सी में जाना है। जैसे मैंने ली थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ली थी, तो मेरे को पेड़ पौधे वगैरह कुछ ऐसे मिला था NGO, और आपकी स्टेट में ही मिल जाएगी। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर आपका शुरू होगा। सेकेंड ईयर में आप थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो बच्चों को वैसे स्ट्रेस होता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बट एक साल रह के फिर उसको सब एक्सपीरियंस होता है। तो सेकेंड ईयर आपका, आपको स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ेगी अपनी, जैसे कि मैंने AIML ली थी, तो वो चॉइस आपको मिलेगी। उसके बाद थर्ड ईयर में फिर आपका इंटर्नशिप मिलेगी, माइनर प्रोजेक्ट्स होंगे, माइनर प्रोजेक्ट 2 होगा, जैसे 5th सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट 1 होगा और 6th में माइनर प्रोजेक्ट 2। उसके बाद जब 7th और 8th में होंगे, उनमें ऐसे होंगे मेजर प्रोजेक्ट 1 और 2। उसके बाद जब आपका थर्ड ईयर कम्प्लीट हो जाएगा, तो आपकी इंटर्नशिप लगेगी, और आपको क्या कहते हैं स्टाइपेंड भी मिल सकता है। बहुत कंपनियां स्टाइपेंड देती हैं, बट उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कंपटीशन भी भाई बहुत ज़्यादा है, तो आपको पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे, ये वो। अब कॉलेज की बात करते हैं कि मतलब कॉलेज कैसा है। तो गाइस, कॉलेज नो डाउट अच्छा है, और कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज आपकी प्लेसमेंट लगवा के ही देगा, कॉलेज आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अब वो आपके हाथ में, क्या आप उनको कैसे ग्रैब कर रहे हो, क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन बहुत है। तो आपको पता होगा कि भाई एग्ज़ाम बहुत हार्ड होंगे, तो उस हिसाब से आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। बट हाँ, कॉलेज आपको कंपनियाँ ला के देगा, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज ला के देगा, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फिर फोर्थ ईयर में अपना प्रोजेक्ट वोजेक्ट करना, और 7th सेमेस्टर से कंपनियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो भाई अपने एग्ज़ाम क्लियर करना, इंटर्नशिप करते रहना, जो और क्या कहते हैं इंटर्नशिप कर लेना, हाँ, और फिर तो आपकी प्लेसमेंट हो ही जाएगी अगर आप अच्छे हो तो। और पढ़ाई में अबव एवरेज रहना, 7 CGPA से ऊपर मेंटेन करके रखना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। तो सो गाइस, ये सब चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और हाँ, मैं एक मेन चीज़ बताना भूल गया था कि जिसको भी अभी भी एडमिशन चालू है, तो जिसको भी अगर एडमिशन लेना है, तो मेरे वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है एडमिशन फॉर्म का, वहाँ पर आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हो।
और एक मैंने गूगल चैट सपोर्ट के लिए भी दे रखा है, मतलब एक गूगल का फॉर्म डाल रखा है, वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप फिल कर देना, मेरी टीम आपको रीच करेगी और आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करेगी। और व्हाट्सअप सपोर्ट के लिए भी नंबर डाल रखे हैं और कॉल सपोर्ट के लिए भी। तो अगर आपको ये है कि भाई कोई टीम रीच नहीं करे तो आप डायरेक्ट खुद भी कॉल करके उनसे इंक्वायरीज कर सकते हो और एडमिशन फॉर्म भर के UPS में आ जाओ। और आपको मैंने हर चीज़ तो बता ही दिया, BTech के बारे में अपना एक्सपीरियंस दे दिया, तो और क्या ही चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।